गुड इवनिंग एवरीवन। सारे बच्चे बिल्कुल, जो टाइम है आपकी वो हो गई है, 8 बज गई है और इस स्केड्यूल टाइम पे ई करियर पॉइंट नीट चैनल लाइव हो जाता है विद अ बायो टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी एक चैप्टर जिसको हमने स्टार्ट कर रखा है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके हम लेक्चर्स के साथ मूव कर रहे हैं और हम काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी की सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस चैप्टर को अपने ग्रिप में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो बच्चों जो सारे जितने भी बच्चे अभी तक सेशन में आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, मतलब जल्दी से सेशन को शेयर करके बता दें आप सभी कि यस सेशन हैज स्टार्टेड नाउ और सेशन स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को अब पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन हमने स्टार्ट कर रखा है और ट्रांसक्रिप्शन में आज हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिटेल में समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हैं, इन पॉइंट्स को याद रखना है। तो आज की सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आज बताए जाएंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। एट द लास्ट यू ऑल नो एमसीक्यू विल बी देयर, तो उस एमसीक्यू से आपको क्या फायदा मिलता है, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आती है। तो एक बार जल्दी से सभी को गुड इवनिंग बोल दिया जाए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो सारे बच्चे जो भी आ चुके हैं, है ना, अर्चित नोटिफिकेशन आपको नहीं अभी अगर आ रहा है, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, आपने नोटिफिकेशन बेल अगर हिट कर रखा होगा तो नोटिफिकेशन बेल हिट कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो और नहीं भी आ रहा तो आपको टाइमिंग पता है कि 8 o'clock होता है। और इसके अलावा आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हो तो करियर पॉइंट की जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे हम आपको नोटिफाई कर देते हैं दैट द सेशन इज गोइंग टू बी लाइव इन हाउ मच टाइम। ओके, तो ये सारा कुछ आपको पता है। चलिए, बहुत सारे बच्चे आ गए, मैं एक बार सबको हाय हेलो कर लूं। तो यस पलक, आज बहुत दिनों बाद आप नजर आ रहे हो, सो गुड इवनिंग टू यू। आकाश चंद्रा, शीतल भोसले, ताइबा नखत, गुड इवनिंग। सौरभ यादव, शीतल भोसले, दुष्यंत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताइबा सिंह, नोटिफिकेशन आया था, बिल्कुल कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन आया था, कुछ को अगर लैक हुआ था तो कोई इश्यूज नहीं है। चलिए मूव करते हैं, कुछ बातें आपको बताते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए एक माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए फिजिक्स की फोबिया तो होती ही होती है क्योंकि उन्हें फिजिक्स में डर लगता है। बिकॉज एक नीट की के एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बायो और केमिस्ट्री को तो किसी तरह से मैनेज करता है बट फिजिक्स में उसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है। सो फॉर देम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ई करियर पॉइंट, दैट इज द कंप्लीट फिजिक्स कोर्स जस्ट इन 100 days। तो 100 days में आपकी पूरी फिजिक्स कराई जाएगी, 11th और 12th दोनों की फिजिक्स आपकी 100 डेज के अंदर कंप्लीट कराई जाएगी विद अ मिनिमम फीस ऑफ 8500। सिर्फ 8500 में आपको ये कोर्स करा दी जाएगी। डिटेल्स के लिए आप ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हो, वहां पे इस कोर्स की डिटेल आपको मिल जाती है और ये कोर्स 24th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट भी होने वाला है। तो आपके पास जो टाइम है उस टाइम में जल्दी से इस कोर्स को अवेल करो, जल्दी से अप्लाई करो इस कोर्स के लिए और अपने नीट की प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड करो, क्योंकि आपको पता है 2021 के अंदर कुछ नोटिफिकेशंस आने वाले हैं जो कि शायद 2020 तक जो नीट थी उससे अलग हो सकता है ना, क्योंकि आपने आज जेई की नोटिफिकेशन देख रखी है, अगले साल 4 अटेम्प्ट उन्हें मिलने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है नीट के अंदर भी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर दिए जाएं, तो हमें अगले साल की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, क्योंकि पैंडेमिक कंडीशन में आपको याद है नीट 2021 में पेपर काफी इजी आ गया था, तो इसका मतलब था कि अगर हमने 2020 को यूटिलाइज किया होता तो 20 भी क्लिक हो सकता था। और बहुत सारे बच्चे जिनको 2021 में देना है तो अगेन वो प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन सेटर के पास एक प्रॉब्लम है कि पैंडेमिक कंडीशन को उसको दिमाग में रखना होगा। सो फॉर दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द मेडिकल कॉलेज सीट, और मेडिकल कॉलेज सीट को ग्रैब करने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स में कमांड अच्छी होनी चाहिए। बायो हम करा रहे हैं, केमिस्ट्री भी करा रहे हैं और फिजिक्स भी आपकी करा रहे हैं, और वी आर थिंकिंग, ये करियर पॉइंट इज थिंकिंग फॉर यू ऑल, आपके लिए हम सोच रहे हैं और इसलिए आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा कोर्स लॉन्च किया हमने। विद इन 100 days यू कैन कंप्लीट द फिजिक्स, पूरी फिजिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बच्चों सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, और सेशन को शेयर करके ये बात भी सबको बता दो दैट की फिजिक्स की कोर्स भी आने वाले, 24 दिसंबर से ये कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप उस कोर्स को करके आपकी सिलेबस जल्दी से जल्दी और अच्छी रॉक सॉलिड कंप्लीट हो जाएगी। यस नंदनी, रवि रंजन, नादिर, बिल्कुल बिल्कुल, अमन वर्मा इज ऑल्सो देयर, चलिए बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जो आ चुके हैं उनको भी गुड इवनिंग, और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको जल्दी से सेशन शेयर करो। आज का जो वॉचिंग कंडीशन है ना वो लगभग आपको याद रखना है कि 40-50 पे चली जानी चाहिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स जब यहाँ पे आ जाएं तो फिर, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी बातें मैं करूंगा,
मैं आपके साथ वो पॉइंटर्स बताऊंगा, वो जो पॉइंटर्स आपको याद रखना ही है, क्योंकि आगे जब मैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे आऊंगा तो ये सारे चीज वहां पर यूज होंगे। तो आज के सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के सेशन कल की सेशन बहुत काम आने वाला है आपके लिए, तो फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रहो, ठीक है। तो ये कोर्स आप सभी को इसके डिटेल के लिए करियर अपॉन लर्निंग ऐप पे जाना होगा, वहां से मिल जाएगा। यू ऑल नो कि सीपी स्टार स्कॉलरशिप टेस्ट है आप सभी के पास, 18 to 20 दिसंबर इसकी टेस्ट होगी, तो आपके लिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा मौका है जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो इस टेस्ट को भी देना जरूरी है, तो आप इस टेस्ट को भी दें। और किसी भी डाउट के लिए डाउट हेल्प है आपके पास, इसके अलावा करियर पॉइंट की टेलीग्राम चैनल है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो ये काम आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि ये काम करने से आप सीपी फैमिली के पार्ट बनते चल जाते हो और फिर आपको चीजें प्रिपेयर करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, यस कृष्णा कृष्णा, गुड इवनिंग। तो ये पॉइंट भी आप सभी समझ गए हो। चलिए अगेन एक बार मेंटी क्विज के लिए, आप सभी को पता है कि जब हम मेंटी क्विज कराते हैं, कोई भी अगर मेंटी क्विजेस हो रहे हैं इस चैनल पर, तो उस मेंटी क्विज में वॉल ऑफ फेम बनती है, वॉल ऑफ फेम में आपके फोटोज लगाए जाते हैं, तो आपको फेमस होने का एक बेहतरीन मौका मिलता है और इस बेहतरीन मौके को अवेल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। नंदी सिंह सर, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत बढ़िया नंदी, आपने बहुत ही अच्छा मूव किया है, आपने अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने का एक काम किया। यस नयन मोदी, बिल्कुल मैं बहुत ही अच्छा हूं और आप भी बहुत बेहतर होंगे, ये मैं जानता हूं। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर है, तो याद रखना मेंटी क्विज अब से सीरियसली लेना है, अब मतलब कंपटीशन का लेवल होना चाहिए। आप क्लासेस कर रहे हो, हम डिटेल में आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें पढ़ा रहे हैं, और जब इतना कुछ आपसे आपके लिए कर रहे हैं तो मेंटी क्विज भी आप सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये एक कंपटीशन का लेवल सेट करना है ताकि आपके फोटोज आ जाए और वॉल ऑफ फेम में वो दिखने चाहिए, ताकि हम भी ये बोल सके कि यस इन स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया था एंड दे हैव डिलीवर्ड द रिजल्ट देयर। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, यस राजीव कुमार रंजन, बहुत अच्छे से आपका नाम ले रहे हैं। ओके, फिर से एक बार ले लेते हैं, राजीव कुमार रंजन ले लिया आपका नाम। चलिए मूव करते हैं और आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आप जल्दी से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार तो पहले तो शेयर करना है, आप सभी शेयर करो और आपके जो फ्रेंड्स लैग कर रहे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे अभी नजर नहीं आ रहे जो रेगुलर क्लासेस में आते रहते हैं, तो उन सबको जल्दी से बुला के ले आए, ठीक है। अमन सर, नीट में सिलेबस को ब्रेक करके नीट के 3 या 4 पार्ट्स बना देने चाहिए। अमन, ये सजेशंस जो है आपके वो होने तो चाहिए, बट ये आपके पर्सनल चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पसंद आ सकता। इवन सिलेबस को बार बार ये पार्ट्स करने से आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, तो आपको इन सब बातों का सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर मैं एस्पिरेंट हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि नीट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए थ्योरी कैसे पढ़ सकते हैं, अपना बस इतना ही सोचने का काम होता है। कब होगा टेस्ट, क्यों होगा, कैसे होगा, ये अपना काम नहीं है, हमें नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, इतनी सारी चीजें आप जब सुनते हो ना, तो आपका दिमाग हर कुछ को प्रोसेस करता रहता है, नतीजा क्या होता है कि जो काम करना था वो हम नहीं कर पाते। एग्जाम जब भी हो, हमें उसके लिए तैयारियां करनी है, तो तैयारी में अभी आपको ध्यान लगाना है, अभी आपको कुछ भी इधर उधर की डेविएशन में नहीं जाना है, सिर्फ तैयारी के बारे में सोचो कि यस वी हैव टू हिट द टारगेट, टारगेट हिट करना है हमें, ठीक है। तो चलिए, सारे बच्चे बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं, सो नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट। मेंटी में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐप डाउनलोड नहीं, बिल्कुल आयान, आपको मेंटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मेंटी की लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब भी कोई मेंटी क्विज होती है तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है और साथ ही साथ एक मेंटी कोड भी दिया जाता है, तो या तो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो या फिर मेंटी कोड से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यस, अगर एनसीईआरटी की जगह आपका नोट्स अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज प्रीफर कर ले तो हो, बिल्कुल अमन, मेरा नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो, पीडीएफ्स पढ़ रहे हो, तो वो आपको एनसीईआरटी की लाइंस ही हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को ही मैंने स्प्लिट कर रखा है ताकि आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइन याद हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ आप करते रहो, आपका बायो के अंदर वो कमांड बन जाएगा कि जिसको करके आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगी, यानी बायो के अंदर 360 में 360 लाने का जो सपना है आपका वो पूरा हो सकता है, तो यू हैव टू डू दैट। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब सब बच्चे भी आ रहे हैं, तो अब शुरू कर रहे हैं हम टॉपिक को, और टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन्स। याद करो, कल के क्लास में हमने बात किया था, सभी बच्चों को याद आ जाना चाहिए कि हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होगा क्या, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, याद आ गया, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। फिर आप सभी को याद आ जाएगा कि हमने कहा था कि जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक प्रमोटर साइट होता है और एक टर्मिनेटर साइट होता है, और बीच में प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, याद आ रहा है सभी को। हमने ये भी कहा था
कि जब डीएनए आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा, जब डीएनए आरएनए बनाएगा तो उस समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बनाते हैं, बल्कि कोई एक स्ट्रैंड ही क्या करेगा, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो फिर हमने ये भी कहा था कौन सा स्ट्रैंड करता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है दैट इज नोन एज द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड किसी तरह का कोई कोड नहीं करता है, पर वो क्या करता है कि वहां से हम रेफरेंस पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे हमें पता है कि प्रमोटर 5' एंड पे होता है और टर्मिनेटर किस एंड पे होता है, 3' एंड पे होता है। तो ये जो बातें हम बोल रहे हैं 5' एंड और 3' एंड, वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो कल के क्लास में हमने ये बात करा था, हमने ये भी देखा था कि रेप्लीकेशन से ट्रांसक्रिप्शन अलग है। कैसे अलग है, तो रेप्लीकेशन में क्या होता है, रेप्लीकेशन एक बार जहां से शुरू होता है वहां से वो टोटल लेंथ में रेप्लीकेट होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए का ही होता है, इसलिए हम वहां पे एक प्रमोटर साइट और एक टर्मिनेटर साइट देखते हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या सबको याद आ गया प्रीवियस क्लास, एक बार सबको प्रीवियस क्लास याद आ जाना चाहिए। अगर प्रीवियस क्लास याद आ गया तो मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ प्रीवियस क्लास याद आ गया, तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। सबको याद आ गया प्रीवियस क्लास, तो एक बार जल्दी से थम्स अप का साइन देकर के मुझे बता दो कि यस सर वी आर रेडी, कॉन्सेंट्रेट है, नोटबुक साथ में है और आज बिल्कुल मजे से क्लास करने वाले हैं, और बिल्कुल आज जितनी भी चीजें है ना सब कुछ याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता दे कि हाँ दे आर रेडी और नॉट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बिल्कुल अब रेडी है। सो नाउ आज की टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हमने कल की जो बातें थी उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, जीन आप सभी को पता है कि जीन्स किसको कहते हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि अगर कोई कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है तो उसको लेके कौन आएगा, उसको लेके आते हैं जीन्स, है ना। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एक बात बोलती है कि जीन का जो डेफिनेशन है वो तो है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और इस बात को मानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डीएनए के ऊपर ही जीन्स होते हैं, मतलब डीएनए जीन्स को कैरी करता है। हमें ये भी ये बात पता है क्योंकि हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि डीएनए जीन्स और क्रोमोसोम्स ये सब आपस में इंटरलिंक्ड ही चीजें होती हैं, ठीक है। पर होता क्या है कि आपको याद हो तो हमने ये बात कहा कि ट्रांसक्रिप्शन किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का ही होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का ही होता है। तो ऐसा हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये कोड करेगा किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन को बनाना है, प्रोटीन होते क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करना है। तो होता यह है कि हम इस डीएनए सीक्वेंस को भी जीन के रिस्पेक्ट में रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक कंफ्यूजन आ जाता है, क्या कंफ्यूजन आता है कि हम जीन को कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है इनहेरिटेंस का, डीएनए के ऊपर जीन्स लोकेटेड हो सकते हैं, ये हम इसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक सीक्वेंस को अगर मैं जीन कहने लगूं तो आपका ये पॉइंट आएगा कि सर अगर इस पे बहुत सारे जीन्स हैं तो हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही क्यों कह रहे हैं जीन्स, फिर तो ऐसा है कि यहां भी जीन्स मौजूद होगा, यहां भी जीन्स मौजूद होगा, यहां भी जीन्स मौजूद है। तो हम तो क्या कर रहे हैं कि जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस में ये वाले जीन्स, क्योंकि यहां से प्रमोटर है यहां टर्मिनेटर है, तो सिर्फ इन्हीं तीनों को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये वाले जो जीन्स हैं ये तो वहां पे कंसीडर नहीं होंगे। तो जीन का डेफिनेशन कहीं ना कहीं डीएनए के सीक्वेंस के फॉर्म में थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज कर लिया, उस प्रॉपर टर्म का नाम होता है सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं, सिस्ट्रॉन डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं जो क्या कराते हैं, डीएनए के वो सीक्वेंस जो कि आगे चल करके पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए कोडिंग कराते हैं। तो क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि सिस्ट्रॉन किसको कह रहे हैं, सिस्ट्रॉन हम डीएनए के उस सीक्वेंस को कह रहे हैं जो आगे चल करके पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए जेनेटिक कोड्स को कैरी करने वाला है। तो याद रखना कि हम जिस सीक्वेंस ऑफ डीएनए को यहां पे उठाएंगे ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए, वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए क्या कहलाएगा, सिस्ट्रॉन कहलाएगा, जिसमें एक प्रमोटर साइट है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स है और फिर टर्मिनेटर है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है सिस्ट्रॉन की बात। अब देखो सिस्ट्रॉन दो तरह के हो सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनके अंदर सिस्ट्रॉन की कंडीशन वो दो तरह की हो सकती है। यूकैरियोट्स के अंदर ये होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, याद रखना यूकैरियोट्स के अंदर एक सीक्वेंस एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करेगा, एक सीक्वेंस एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करेगा, इसलिए उसको हम कह रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। जबकि प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की बात करें तो उनके अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता है, यानी मल्टीपल डीएनए सीक्वेंस किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहे होते हैं। तो हमें इतनी सारी बातें अगर नहीं भी याद है तो बस क्या क्या बातें याद रखनी है वो समझो। डीएनए के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे।
प्रोकैरियोट्स के अंदर सिस्ट्रॉन कैसा दिखता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक दिखता है, जबकि यूकैरियोट्स में कैसा दिखेगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक दिखेगा। याद रखना प्रोकैरियोट्स पी से और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी पी से, तो कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल याद रख लेना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव आ जाता है एमसीक्यू में नीट के अंदर, अगर आप देखो तो एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि वो पूछ देते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर सिस्ट्रॉन कैसा होता है, ऑप्शन में क्या रहेगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो वीडियो लैग की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रही है आपके यहाँ, अगर नेटवर्क की कोई इशू आ रही है तो उसको जल्दी से ठीक क्या करोगे, रिफ्रेश कर लो, है ना, और उससे आप चीजों को समझ सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया? यस नरेंद्र मोदी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो होमवर्क मैंने दिए रखे थे और जो आंसर्स आपने दिए हैं वो सब मैं देख रहा हूं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, बस अभी फिलहाल पहले चीजें समझो, मैं बीच में वो बातें भी कर लूंगा आपसे, ठीक है? तो बिल्कुल, तो ये पॉइंट भी आपको समझ के चलना है। तो याद रखना यूकैरियोट्स में पूछ दिया जाए मोनोसिस्ट्रॉनिक, यूकैरियोट्स यानी हम ह्यूमंस की बात करें या प्लांट्स की बात करें, यूकैरियोट्स मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता है कि यूकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, तो यूकैरियोट्स वालों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब कोई एक सीक्वेंस किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए ही वहां पे कोडिंग सीक्वेंस लेके आएगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोडिंग सीक्वेंस ला सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मैंने पहले भी कहा है हम यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे वो बेसिकली हम थोड़ा बहुत प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स तो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है और अभी फिलहाल बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च जो है वो कंक्रीट नहीं हो पाया जिसको हम डिटेल में कर सकते हैं। तो आप भी इस बात को ध्यान रखोगे कि बहुत ज्यादा डूब करके इस चैप्टर में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने बहुत पहले बताया था इस चैप्टर में एनसीईआरटी ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर एनसीईआरटी खुद ये बात लिख रही है कि आपको एनसीईआरटी ये अभी जो चीजें बताई जा रही है बस उतना ही जानना है, इसके आगे जानने के लिए आप या तो हायर क्लास में जाते हो या फिर अभी जो हमारी रिसर्च है वो अभी इसमें चल रही है जिसको हम आगे चल के समझते चलेंगे धीरे-धीरे, है ना। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है, तो फालतू इधर-उधर के स्टफ्स में अगर जाओगे आप तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इधर से भी मटेरियल देख रहे हैं उधर से भी देख रहे हैं, नतीजा क्या होगा कि एनसीईआरटी कुछ समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन तो आएगा एनसीईआरटी से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं जो बातें बता रहा हूं उसे याद करते चल जाना, यहीं पर क्लास के साथ ही याद करते जाना, उससे आपको चीजें फायदा पहुंचाने वाले हैं। यस बस सर इतना बता, बिल्कुल अमन बिल्कुल वही बता रहे हैं आपको जिससे नीट का क्वेश्चन बन जाए, बिल्कुल नीट का क्वेश्चन बनना है आपका, और वो आप देख लेना, आप रैंक एक्सेलेटर बैच में आते ही हो तो आपको पता ही है कि मैं फिर से वो लेकर के आऊंगा, इस चैप्टर के साथ भी आएंगे वो क्वेश्चंस, तो आप देखना ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है वहां क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इनफैक्ट आज के क्लास में भी एट द लास्ट ऑफ द टाइम मैं एमसीक्यूज कराऊंगा आपको, और वो एमसीक्यूज जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स या फिर प्रोबेबल ईयर्स में आने वाले भी हो सकते हैं, तो आप करके देखना आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पॉइंट्स याद रखना। तो यहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स में पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सब आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन किसमें होता है? यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें होता है? बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स होता है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब देखो ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है यूकैरियोट्स के अंदर, जो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है उस बात को समझने की कोशिश करना, होता क्या है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में एक स्पेशल कंडीशन होती है स्प्लिट जीन की। ये बात याद रखोगे आप सभी कि स्प्लिट जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में लगेगा, यानी ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है यूकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन का कंडीशन है। इसकी वजह से ही यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैपिंग और टेलिंग की कंडीशन आएगी, स्प्लाइसिंग ऑफ जीन्स की कंडीशन आएगी। तो आपको याद रखना, अगर एक क्वेश्चन आ जाए स्प्लिट जीन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आंसर होगा यूकैरियोट्स का, ठीक है? और ये स्प्लिट जीन क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि कोडिंग तो करा रहे हैं, जो कोडिंग में काम आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो इसको इंटरप्ट करेंगे, जिसे हम इंट्रॉन्स कहेंगे। तो आप खुद सोचो कि कोई अगर एक लाइन है ये कोडिंग कराने जा रहा है, तो जहां तक ये कोडिंग करा रहा है पर बीच में क्या हुआ कि इसके बीच में कोई एक ऐसा पार्ट आ गया जो कि इसको इंटरप्ट कर रहा है। अब इंटरप्ट करके ये वाला पार्ट यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा है, तो जब ब्रेक कर रहा है तो जीन्स वहां पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना, जीन्स वहां पे स्प्लिट हो रहा है, तो उसी को हम कह रहे हैं स्प्लिट जीन कंडीशन। तो यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन कंडीशन दिखता है, और किसकी वजह से दिखता है, इस एक्सॉन और इंट्रॉन्स की कंडीशन की वजह से दिखता है। तो देखो
The coding sequence और express sequence are defined as exons. यानी कि जो coding sequence है, जो coding sequence है या जो express sequence आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? Exons कहेंगे. जो किसमें दिखेगा? जो दिखेगा monocystronic condition में, यानी eukaryotes के अंदर. ठीक है? इसके बाद का point देखो, exons are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA. यानी आगे जो RNA बन जाएगा, है ना? उसके अंदर exons नजर आएगा. जबकि इस एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस के बीच में जो इंटरप्शन आएगी, जो डिस्टरबेंस आएगी, वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी इंट्रॉन्स की वजह से. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एक्सॉन, तो आप कहोगे कि जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम कह रहे हैं एक्सॉन्स, और इस कोडिंग सीक्वेंस में जो इंटरप्शन लेके आएगा उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रॉन्स. अब बताओ मुझे, मैसेंजर आरएनए में कौन नजर आएगा? एक्सॉन नजर आएगा. लेकिन ये जो इंट्रॉन है, ये मैसेंजर आरएनए में नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक इंटरप्शन था. ठीक है? तो ये इंटरप्शन नजर नहीं आएगा. तो याद रखना ये दो पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं, कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन कहला रहा है, कोडिंग सीक्वेंस को जो इंटरप्ट करेगा उसको इंट्रॉन कहेंगे, कोडिंग सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में दिखाई देगा यानी एक्सॉन दिखाई देगा, पर इंट्रॉन मैसेंजर आरएनए पे नहीं दिखाई देगा. क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो स्लाइड है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे मूव कर सकूं, ताकि आपको याद रहे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं. जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए. ओके ठीक है अमन, मैं बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो. देखो मैंने क्या बात आपको बताई, मैंने आपको बोला कि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट होता है. स्प्लिट जीन क्या होती है कि यहां पर जीन्स के बीच में, जीन्स का काम क्या है? कोडिंग सीक्वेंस लेके चलना. ठीक है? तो जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको आप क्या कह रहे हो? एक्सॉन. अब इस कोडिंग सीक्वेंस पर अगर कोई इंटरप्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स. अगर इंटरप्शन है तो आप खुद सोचो ना कि जो कोडिंग सीक्वेंस है वो स्प्लिट कर जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि आपका कोडिंग सीक्वेंस एक लेंथ है, इस पे किसी तरह का कोई इंटरप्शन आया तो वो उसको क्या करेगा? स्प्लिट कर देगा. तो स्प्लिट जीन इसलिए यूकैरियोट्स के अंदर नजर आता है, ये बात ध्यान रखना. प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन की प्रॉब्लम नहीं आती है, यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन कंडीशन है. ठीक है? और स्प्लिट जीन्स आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा, जो स्प्लाइसिंग कंडीशन है या फिर टेलिंग कैपिंग है, ये कहीं ना कहीं एक प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करता है, और वहां पे हमें आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंसी देखने को मिलता है. तो हमने एक बार बात किया था ना कि डीएनए बेसिकली कहां से ऑरिजिनेट करता है? आरएनए से ही करता है, क्योंकि आरएनए ही हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल है जिसमें मॉडिफिकेशन होकर के डीएनए बना था. अब क्या बात याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में ये बात बस याद रखना कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको सिस्ट्रॉन कह रहे हैं. यूकैरियोट्स के अंदर ये मोनोसिस्ट्रॉन होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉन होगा. जो मोनोसिस्ट्रॉन है उसमें एक एक्सॉन साइड होता है, एक इंट्रॉन साइड होता है. एक्सॉन साइड कोडिंग सीक्वेंस है और इंट्रॉन साइड वो इंटरप्शन है. इसलिए ये कोडिंग जो है, ये जो एक्सॉन है वो आरएनए में नजर आएगा. ठीक है? यस, मूविंग टू द नेक्स्ट. अब देखो, एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. एक बार नीट के अंदर डायरेक्ट ये लाइन ही आ गई थी, है ना? नीट या एआईपीएमटी के अंदर डायरेक्ट ये लाइन ही आ गई थी कि एक्सॉन्स को इंटरप्ट कौन करता है? इंट्रॉन्स करता है. ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. इंट्रॉन्स आर व्हाट? दे आर द इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस. इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस कहने का मतलब ये ऐसे सीक्वेंसेस जो इंटरप्शन कर रहे हैं. And they do not appear in mature or processed RNA. देखा, बताया था आपको कि processed RNA यानी कि जो prepared RNA हो गया, mature RNA हो गया, उसके अंदर कौन नहीं नजर आएगा? Introns नजर नहीं आएगा, पर वहां पे आपको जो exons हैं वो नजर आ जाएंगे. क्या ये बात सबको समझ में आ गया? Yes. तो बिल्कुल ये बात है, आपको clear रखना है. तो इस चीजों को क्लियर तरीके से समझना है और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते चल जाना. तो मैं इस चैप्टर में आपको हर एक पॉइंट पे क्लियर करा रहा हूं, मैं कहीं पर भी कोई भी पॉइंट स्किप आपका नहीं करा रहा, ताकि आपको ये चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए और एनसीईआरटी आपके ग्रिप में हो. एनसीईआरटी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया ना, तो एनसीईआरटी के अंदर इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का कि और किसी बुक में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए जाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं. तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फिर उसके साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो आप काम करते रहोगे तो ये आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. यस, शॉर्ट पॉइंट से काफी कॉन्सेप्ट शॉर्ट टाइम में क्लियर हो गए. बिल्कुल बिल्कुल अमन, तो ये चीजें ध्यान रखना है. ठीक है? तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया. तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, अब देखो स्प्लिट जीन की बात आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैंने आपको समझा दिया स्प्लिट जीन होता क्या. अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स, देखो कहा था ना आपको कि ट्रांसक्रिप्शन
प्रोकैरियोट्स में तो फिर भी हम समझ पा रहे हैं, पर यूकैरियोट्स में समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी हमारे सिलेबस का वो पार्ट भी नहीं है, तो हमें जाने का जरूरत भी नहीं है वहां तक, है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो हम थोड़ा बहुत देखेंगे, वहां भी हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हम बस उसका ब्रीफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि आपने बस इसको देखा और आप समझ जाओगे। नहीं, आपको इस पे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रॉपर नॉलेज को लेके चलते हो, और आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग एक अलग ब्रांच ही होता है जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन लेते हो, तो ये बहुत ही डिटेल में चीजें पढ़ी जाती हैं। पर फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम इसे बहुत आराम से ब्रीफिंग देख रहे हैं जो हमारे काम का है, जहां से नीट में क्वेश्चन पिक किए जा सकते हैं, है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यस लक्ष्मी, आपका जो क्वेश्चन है जल्दी से डाल देंगे। यस दुष्यंत सिंह सर, एनसीईआरटी इज बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल एनसीईआरटी आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। ठीक है, रामेश्वर आपका भी नाम ले लिया। बिल्कुल रामेश्वर आपका भी नाम ले लिया। तो आप सब बच्चे जितने भी वॉचिंग में आ चुके हैं, वो सेशन को जरूर लाइक कर दो, ताकि लगे कि हाँ आप सभी प्रेजेंट हो और आप सब चीजें समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए। तो स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टर होता है? ये यूकैरियोट्स का होता है, ये बात आप सभी को याद हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका ये ट्रांसक्रिप्शन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और डेफिनेशन ऑफ जीन्स डीएनए के सेगमेंट के फॉर्म में देना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया कि डीएनए के सेगमेंट के फॉर्म में, डीएनए के सेगमेंट के फॉर्म में जीन्स का डेफिनेशन देना हमारे लिए डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर स्प्लिट जीन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैंने शुरुआत में आपको समझा दिया था कि होगा क्या कि अगर किसी सीक्वेंस को हम ले रहे हैं तो जीन्स तो आगे पीछे भी मौजूद है, उनको फिर हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उसके लिए टर्म क्या यूज कर लिया, सिस्ट्रॉन यूज कर लिया था। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यस और नो? चलिए, नादिर सिंह सर, 11th की एनसीईआरटी मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता। नादिर, 11th की एनसीईआरटी के साथ फ्रेंडशिप आपको करना पड़ता है, या 11th हो चाहे 12th हो, एनसीईआरटी से फ्रेंडशिप करना पड़ता है। आपको अगर उससे बात करना नहीं आता तो वो आपसे बात नहीं करेगा। फॉर दैट ओनली सेशंस है, आप क्लासेस करते रहो, आपको बात करना आ जाएगा। जैसे 12th में जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, 12th और 11th दोनों के अंदर जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, क्या आपको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो क्या आपको ऐसा नहीं फील होता है कि हाँ अब एनसीईआरटी मेरे से बात करने लगा है, मुझे एनसीईआरटी के हर एक वर्ड, एक एक लाइन जो है वो ऐसा लगता है कि वो मेरे कानों में खुद खुद आके बोल रहा है। तो ये अगर आपको लगने लगा है, यही कहलाता है एनसीईआरटी आपसे बात कर रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह से चीजें पढ़ने लगते हो ना, जहां पे एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा और एनसीईआरटी ऐसा फील करा रहा है आपको कि हाँ वो खुद से बोल रहा है, आप उसे पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर ऐसा होने लगता है कि आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आने लगता है। फिर जो 3 घंटे में चैप्टर आप कंप्लीट करके उठते हो ना, थकान नहीं लगती आपको, आपको ऐसा लगता है कि यार मजा आ गया, मतलब इसको पढ़ लिया ना तो आगे बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ के आते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस समझ में आ गया तो देखो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर करना है कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, उसके लिए क्लास करना जरूरी है। रामगोपाल इज सेइंग कि सर कौन कौन सा चैप्टर? रामगोपाल, आप ई करियर पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे सारे चैप्टर्स लिस्टेड है जो भी मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी चीजें वहां पे क्लियर करा दी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीना का एक रिक्वेस्ट है जो कि बार बार वो करती रहती है, फॉर द हिंदी स्लाइड्स। बिल्कुल मीना, कराएंगे, थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि हिंदी के स्लाइड्स के लिए भी हमें काम करना पड़ता है ना, तो आपके लिए तो वो काम भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। लक्ष्मी का भी एक क्वेश्चन है सर, 12th बोर्ड्स कर लिए हैं, ओनली एनसीईआरटी काफी है क्या कि कुछ एक्स्ट्रा? देखो लक्ष्मी, एक बात याद रखो, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो नीट्स हो, नीट हो, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ही सफिशियंट है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, एनसीईआरटी को समझने के लिए सेशन में आया करो, हम जो एमसीक्यूज या डीपीपीएस आपको दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देते हैं, वो आप हमारे साथ करो। तो यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप जहां पे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और उस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आप जब सेशन में लगातार आते रहोगे तो एनसीईआरटी समझ में भी आएगा, और एनसीईआरटी ही आपसे पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे जगहों पे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, इससे क्या होता है प्रॉब्लम, ये आपको ऐसा लगता है एनसीईआरटी से बाहर कुछ आने वाला है, आप इस 6 महीने में अगर जागोगे नहीं, एनसीईआरटी पे भरोसा नहीं करोगे, तो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, अगले 7th मंथ 8th मंथ के बाद आपको रिग्रेशन होगा। आप खुद ये बात बोलोगे कि सही सच में अगर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा होता तो सारा चीज हो जाता, बोर्ड्स हो चाहे वो नीट हो, सब सिलेक्ट होता। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल नरेंद्र, आपको डीपीपीएस भी प्रोवाइड की जाती है, आप अगर चले जाओगे ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप के फ्री स्टेप्स में, तो वहां पे आपको डीपीपीएस मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लिया करो, है ना। पीवाई क्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सब...
ओके ओके, ये साउंड प्रॉब्लम थी, तो साउंड प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अब ठीक हो गई होगी। आप एक बार बता दो कि सबको अब साउंड क्लियर आ रही है, सबको साउंड क्लियर आ रही है। यस, आ गया साउंड, वेरी गुड। तो साउंड अब सबको क्लियर आ रहा है। तो मैं आपको बस यही बात बता रहा था कि देखो, अगर आपको नीट सच में क्रैक करना है, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर नीट प्रिपरेशन, और अगर आपको सच में डॉक्टर बनना ही है, जिद है डॉक्टर बनने का, है ना, तो फिर बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल लक्ष्मी पढ़ा रहे हैं, है ना। आ गए वापस आपके लिए, साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, सेल की प्रॉब्लम थी, तो वो हमने रिस्टोर कर लिया, ठीक हो गया है, और आपको अब साउंड आ रही है, क्लियर आ रही है। तो थोड़ी सी बातें आपसे कर लेते हैं, क्योंकि होता है, मुझे भी पता है कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, आप अभी 11th 12th में होते हो, तो क्या होता है, बहुत सारा दिमाग आपका कन्फ्लिक्ट होता रहता है। आप बार बार ये सोचते रहते हो कि क्या मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, क्या मुझे कोई दूसरा बुक ले लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो पल्ले पड़ता नहीं आपका, और आप जहां से पढ़ते हुए वहां भी एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़ाई नहीं जाती। नतीजा क्या होता है कि आपको जब चीजें पल्ले नहीं पड़ने लगती, तो आप किताब लाने लगते हो, बाजार में जाते हो, बाजार से बहुत सारा किताब उठा के लाते हो। अल्टीमेटली बहुत सारी किताब घर में नजर आने लगते हैं, घर वालों को भी आप ये फील कराते हो कि देखो मेरी पढ़ाई कितनी टफ है, क्योंकि मैं मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिकल की पढ़ाई है बहुत टफ है, और इस वजह से घर वालों को भी आप एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देते हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस देते हो। बट एवेंचुअली जब एग्जाम में पहुंचते हो, तो इतनी सारी किताबें खरीद के तो लाते हो, लेकिन एक बात, जिन बच्चों ने भी नीट दिया होगा, वो नीट देने के बाद इस बात को जरूर रियलाइज करते हैं निकलने के बाद कि यार एनसीईआरटी से पढ़ लेते ना, तो पक्का क्वेश्चन लगा के आते, मतलब एनसीईआरटी छूट गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ना आना चाहिए, हाँ एनसीईआरटी पढ़ना आना चाहिए, और एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेशंस में आया करो, यहाँ पे जब आप आते हो तो एनसीईआरटी की सारी लाइंस को मैं क्लियर कराता रहता हूं, ताकि आपको एनसीईआरटी समझ में भी आए, और एनसीईआरटी से आप बात करना सीख लो। तो मैं जो एक बात बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी से बात करना होगा आपको, एनसीईआरटी को दोस्त बनाना होगा, उस दोस्त के लिए आपको एक मेडिएटर चाहिए, एंड फॉर दैट वी आर डूइंग दैट। बिल्कुल नहीं प्रतीक, एनसीईआरटी हार्ड है, ये नीट हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है नीट क्रैक करना। तो नीट क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। सर सर, चैप्टर वाइज टेस्ट कब लोगे? डोनाल्ड ट्रम्प, बिल्कुल आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किया जाएगा, मेंटी होते हैं आपके, चैप्टर वाइज ही होते हैं, तो वो सारी चीज आप कर सकते हैं। यस, चलिए, सबको अब क्लियर है, अब वॉइस वगैरह सब क्लियर है, ठीक है, तो अब मूव करते हैं टॉपिक पे, चला टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट का बात कर लिया, ये सब कुछ बता दिया आप सभी को कि सब कुछ प्लान की जा रही है, आप तो बस सेशंस में लगातार आते रहो, आपके लिए जो जरूरी स्टेप्स है वो बिल्कुल होता रहेगा। चलिए तो मूव करते हैं, तो आप सबको यहां तक ये बात समझ में आ गई थी कि किस तरीके से मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में अंतर है। मोनोसिस्ट्रॉनिक में स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे एक्सॉन और इंट्रॉन जैसे कंडीशन आ जाते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं आता है। इसलिए आगे चल करके आप देखो, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो ट्रांसक्रिप्शन की आप प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि टाइप्स ऑफ आरएनए, कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। पहले टाइप्स ऑफ आरएनए देख लेते हैं, फिर हम क्या देखेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर भी जितनी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स की बात हो गई, है ना। तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया में कितने तरह के आरएनए होते हैं, तो बैक्टीरिया में तीन मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, और भी बहुत सारे आरएनए होते हैं, पर जो मेजर टाइप ऑफ आरएनए होता है वो तीन होता है, जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एमआरएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या होता है, टीआरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। अब अगर आप मेरे साथ क्लासेस लगातार कर रहे हो, तो आपको देखो बिना आगे की लाइन पढ़े हुए भी आप आंसर कर पाओगे। देखो अगर मैं कहूं मैसेंजर आरएनए, तो आपको याद आ जाएगा, सर मैसेंजर आरएनए तो होता वो है जो टेम्पलेट लेके आएगा, यानी जो कोडिंग सीक्वेंसेस करवाएगा। तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, उसका फंक्शन क्या होगा, मैसेंजर आरएनए का फंक्शन होगा टेम्पलेट देना, टेम्पलेट प्रोवाइड करना। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ डीएनए जो कि कोडिंग कराएगा, ताकि आगे चल करके प्रोटीन के सीक्वेंस तैयार हो सके, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस तैयार हो सके, ताकि उससे प्रोटीन बन सके। तो टेम्पलेट प्रोवाइड कौन करता है, मैसेंजर आरएनए, है ना। टीआरएनए का काम क्या है, तो टीआरएनए क्या करते हैं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि आपको याद हो, तो मैंने आपको सेंट्रल डोगमा थ्योरी बताई थी कि डीएनए के का सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, फिर डीएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और फिर क्या होता है कि ये मैसेंजर आरएनए
जेनेटिक कोड्स को लेके चलेंगे और ये जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस तैयार होगा और यही अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे और इसी प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी में कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। यही आपको सीक्वेंस बता रखा था मैंने। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? मैसेंजर आरएनए का काम यह है कि टेम्पलेट देना, ट्रांसफर आरएनए उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक कोड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को तैयार करता चलेगा। यानी रिकॉग्निशन कौन करेगा? टीआरएनए करेगा। और फिर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम आप सभी जानते हो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा एज पर द टीआरएनए कंडीशन। तो ये जो पूरी प्रोसेस अब है, अब इन्हीं तीनों के पर चलने वाली है। यानी अब चैप्टर कहां पहुंचेगा? मैसेंजर आरएनए की हम बात करेंगे, टीआरएनए की बात करेंगे और राइबोसोमल की आरएनए की बात करेंगे और इस तरीके से हमें यह समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ ये चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि बैक्टीरिया के अंदर तीन टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और तीसरा है आरआरएनए। ये मेजर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर करना है। मीना का फिर से एक मैसेज है कि सर हिंदी वाला कोर्स एग्जाम तक हो जाएगा क्या सर प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल मीना, आपका जो ये है ना वो हिंदी वाला काम हम करवा रहे हैं, आपके बारे में जो चीजें वो चल रही है, तो आप अभी फिलहाल रिलैक्स होकर के सेशन में आते हो आप, तो आप सिर्फ चीजों को ध्यान रखो। आपके पास एनसीईआरटी हिंदी की बुक भी मौजूद है, तो आप जब मेरे से पढ़ लेते हो तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट वो जो थीम है चैप्टर का वो तो क्लियर हो जाता है। अब उसके साथ के साथ आप क्या करो, आपको जो भी पॉइंट्स वहां पे हिंदी की एनसीईआरटी उसको एक बार पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, टर्म्स याद हो जाएगा। जब टर्म्स याद हो जाएगा मेरी बातें याद आएंगी तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल महक, ग्रिफिथ और हर्षी चीज से भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, सब जगह से वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, आपने ये सारी पॉइंट्स आपने पढ़ लिया है। देखो ऑल थ्री आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो मुझे मैसेंजर आरएनए भी चाहिए, टीआरएनए भी चाहिए और साथ के साथ आरआरएनए चाहिए। अगर मैं कह दूं तुम्हें कि मान लो मैंने क्या किया कि एमआरएनए को उड़ा दिया और सिर्फ टीआरएनए और एमआरएनए, ये आरआरएनए को रहने दिया, मैंने इसको हटा दिया है, तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? चैट बॉक्स में बताना मुझे क्या प्रोटीन बन पाएगा। लक्ष्मी सिंह, सर बायोलॉजी को पढ़ने का कोई ट्रिक है सर जिससे समझ आए और सिलेबस जल्दी कवर हो जाए? लक्ष्मी, ट्रिक से कभी भी चीजें पूरी नहीं पढ़ी जा सकती, कॉन्सेप्ट से पढ़ा जा सकता है। ट्रिक सिर्फ आपको चीजें पढ़ने में हेल्प कर सकती है, जैसे कि आपको निमोनिक्स हम देते हैं तो वो आपको सिर्फ एक चैप्टर के सीक्वेंस को समझने में, लेकिन आपको पढ़ना तो हमेशा डिटेल में ही चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्लास करते रहो, सेशन में आते रहो, तो आपका अभी भी जो टाइम बचा हुआ है मई तक में, तो आपका वो हो जाएगा, तो आपके टाइम बहुत सेव होंगे, क्योंकि जब आप सेशन में आओगे चीजें समझ जाओगे फिर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज, मतलब रिलेटेबल अपने पढ़ाई को लेकर के, तो हम कभी ऐसा सेशन करेंगे जहां पे आपके डाउट्स को लेंगे और उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी इन सारे क्वेश्चन आप आज क्या कर रहे हो ना, आज बिल्कुल सेशन को छोड़ करके इधर उधर की सारी बातें पूछ रहे हो, वो सारा कुछ करने का टाइम आएगा वहां पे हम ये सब करेंगे, तो आपके लिए एक स्पेशल सेशन करा देंगे जहां पे आपके प्रॉब्लम्स को लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल तो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो और चीजें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबको ये बात समझ में आ गया? वेरी गुड। ताइबा, सौरभ, शीतल, नरेंद्र मोदी, ये और किसी, राजीव कुमार रंजन, यस राजीव कुमार रंजन ने भी ये आंसर कर दिया है। नो सर, अगर मैसेंजर आरएनए को आप हटा देते हो और सिर्फ दो आरएनए प्रोवाइड करते हो, टी आरएनए और आरआरएनए, तो बिल्कुल वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि अगर एमआरएनए वहां पे मौजूद नहीं है तो वो टेम्पलेट लेकर के ही नहीं आएगा। जब टेम्पलेट लेकर के ही नहीं आएगा तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पहचानोगे कैसे, और जब पहचानोगे नहीं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा कैसे? क्लियर हो गया? अगर मैं कहूं कि नहीं मैं टी आर एन ए को हटा देता हूं, बस एम आर एन ए आपको प्रोवाइड करता हूं, आर एन ए, तो आप वही कहोगे नहीं सर अभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ठीक है टेम्पलेट तो है पर टेम्पलेट को पहचानेगा कौन कि इसका सीक्वेंस क्या आएगा, क्योंकि वो काम तो टी आर एन ए का था। इसका मतलब है ये तीनों ही आर एन ए हमें रिक्वायर्ड है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी की ये लाइन को ना याद रख लेना, आपसे पूछ दिया जाए कि क्या प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एम आर एन ए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर होगा कि एमआरएनए रिस्पॉन्सिबल तो है बट अलोंग विद टीआरएनए और आरआरएनए, यानी ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट भी? अब देखो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, दे प्रोवाइड द टेम्पलेट। अब देखो ये लाइन पढ़ने की भी नहीं जरूरत है क्योंकि आपने ऊपर ही ये काम कर लिया था। टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लेकर के आता है एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड आरआरएनए क्या करता है, इट प्लेज द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी कि आरआरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा।
तो ये आपको क्लियर हो गया, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। तो ये जो स्लाइड थी इसके अंदर जो बात थी वो यही इंपॉर्टेंट थी कि बैक्टीरिया के अंदर तीन मेजर टाइप ऑफ आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए टेम्पलेट लेके आएगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को पहचानेगा, और आरआरएनए प्रोटीन के फॉर्मेशन में यानी ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। ये सब बात आप सबको क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया ये पॉइंट, यस और नो? चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं किसका, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का। अब देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप्स होता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है इनिशिएशन, फिर क्या होता है इलोंगेशन, और फिर क्या होता है टर्मिनेशन। ठीक है, और यहां जो हम बात करेंगे, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, वो किसका है, वो बैक्टीरिया का है। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन हम बेसिकली थोड़ा बहुत भी जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स का हम पढ़ेंगे नहीं। हम वहां पे बस ये देखेंगे कि क्यों यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। रौनित सिंह सर, करियर पॉइंट ऐप ओपन नहीं हो रही। रौनित, करियर पॉइंट ऐप आज थोड़ा सा वो मेंटेनेंस में है, इसलिए आपको एक नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि बस आज के लिए वो ऐसा है कि नहीं हो रहा होगा, वो ऑन ओपन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस चल रहा है, कल फिर से वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे। चलिए, वेरी गुड, यस। मयंक इज सेइंग सर, मैंने हर जगह लिख दिया है कि आपसे जेनेटिक्स कराने के लिए आपसे, बस प्लीज आप ही कराना मॉलिक्यूलर खत्म होने के बाद। मयंक बिल्कुल, मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ा है, मैंने बहुत जगहों पे आपके कमेंट्स को पढ़ा है कि आप बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जेनेटिक्स पढ़ाने के लिए, तो जेनेटिक्स हम कराएंगे आपका, बिल्कुल आपका जो टॉपिक है जेनेटिक्स वो भी पढ़ाएंगे। तो आप बस जो कमेंट है ना, उस कमेंट को ये वहां पे आपने पोस्ट किया, हमने देखा है, इसलिए आपको कोई इश्यूज नहीं, बिल्कुल आपका वो जेनेटिक्स का टॉपिक करवा देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो आप तो बस सेशंस में करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रख लो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला, बहुत इजीली चीजें कवर अप होंगी। आई होप सबको ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हाँ, आज के लिए ना थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इधर से उधर डेविएट कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर से उधर डेविएट करोगे तो जो टाइम है वो हमारे पास लिमिटेड होती है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि लिमिटेड टाइम की वजह से फिर चीजें जो है, आज जो टॉपिक कंप्लीट कराना है वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बात आप सबको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सेशन के दौरान आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो आपके पर्सनल चीजें हैं, उन चीजों के लिए मैंने पहले भी कह दिया कि आपके लिए एक सेशन प्लान करेंगे, स्पेशल सेशन प्लान करेंगे, और उस स्पेशल सेशन के साथ आपकी सारी बातें क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग कोई भी अपने जो पर्सनल चीजें हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम, अभी पोस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे आपके लिए स्पेशल सेशन। आपको तो कह रखा था कि जैसे भी सेशंस आपको चाहिए ना, वो वीडियो डिमांड के लिए आप कर दो ना, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डिमांड कर दो कि यस सर आप ऐसे सेशंस लेके आओ जहां पे हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर देना। ठीक है, तो ये चीजें करना है, क्लियर? तो अब ये सारी चीजें आप नहीं करोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है जहां पे हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ने के लिए अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके चीजें समझना। तो देखो यहां पे याद रखना कि आपसे कभी भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाए, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप्स में समझाई जाएगी, तीन स्टेप्स में समझाई जाएगी। कौन कौन सा? इनिशिएशन, फिर क्या होगा इलोंगेशन, और फिर होता है टर्मिनेशन। ये तीन होते हैं। ठीक है, अगर मैं इनिशिएशन की बात करूं, तो इनिशिएशन में क्या होगा, तो आपको याद है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो 5' एंड होता है उस पर क्या मौजूद होता है, प्रमोटर मौजूद होता है, और जो 3' एंड है वहां पे क्या मौजूद होता है, टर्मिनेटर मौजूद होता है ना, यहाँ पे क्या मौजूद होगा, टर्मिनेटर। और ये जो बीच का एरिया बनेगा, ये बनेगा आपका स्ट्रक्चरल जीन्स, ये आपका बनेगा स्ट्रक्चरल जीन्स। याद आ गया सभी बच्चों को? अब देखो ध्यान से, बहुत बहुत मजेदार है। इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इनिशिएशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज, याद आ गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का वहां पे जरूरत पड़ेगा। अब क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आएगा और आ करके प्रमोटर साइट पर बाइंड करेगा, प्रमोटर साइट पर बाइंड करेगा, क्योंकि यहां से आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन कराना है। ठीक है, अब समझना बात को, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन उसका होता है इलोंगेशन कराना। मेन फंक्शन इसका क्या है, इलोंगेशन कराना। इलोंगेशन का मतलब क्या है कि ये जो डीएनए की हेलिक्स है इसको ये ओपन करने की कोशिश करता है, यानी कि जो जिपिंग है उसको अनजिप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि ये इलोंगेट कराएगा डीएनए के लेंथ को, क्या करेगा, इलोंगेट कराएगा। तो ये काम इसका है, क्लियर हो रहा है सबको? अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आकर के प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा। अब आप खुद सोचो,
आरएनए पॉलीमरेज तो एक एंजाइम है ना, उससे कैसे पता चलेगा कि ये प्रमोटर साइट है? तो उसे कैसे पता चलता है प्रमोटर साइट? उसको प्रमोटर साइट पता चलता है बाय अ फैक्टर दैट इज नोन एज द सिग्मा फैक्टर। नीट में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है कि प्रमोटर साइट को, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज कैसे करता है? तो वो रिकॉग्नाइज करता है बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। यानी क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आया, उसको सिग्मा फैक्टर दिखा और वो उसके देखते ही समझ जाता है ये प्रमोटर साइट है और वहां से इनिशिएशन शुरू हो जाती है, वहां से ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसी को हम कह रहे हैं इनिशिएशन। अब इस को ये जब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है तो अब ये आ गया इस चेन के अंदर और देखो आरएनए पॉलीमरेज चेन के अंदर आकर के क्या कर रहा है, अनजिपिंग कर रहा है, अनजिपिंग करके इलोंगेट कर रहा है चेन को, क्या कर रहा है इलोंगेट कर रहा है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। और इस दौरान क्या हुआ कि ये सिग्मा फैक्टर बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का सिर्फ काम क्या था, इस आरएनए पॉलीमरेज को ये आइडेंटिफाई करा देना कि दिस इज योर प्रमोटर साइट, यहां से ही आपको इनिशिएट करना है। जब ये आरएनए इलोंगेशन करेगा तो प्रोसेस विल बी नोन एज द इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये आरएनए धीरे धीरे बढ़ेगा, 3' एंड पे आएगा, पर पॉलीमरेज को तो नहीं पता है कि हम 3' एंड पे पहुंच गए हैं, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, कोई फैक्टर देना पड़ेगा जिससे ये पहचान सके कि अब आपका काम एंड पे आ रहा है। तो जैसे ही ये 3' एंड पे आएगा वहां पे इसको क्या मिल जाएगा, रोहो फैक्टर मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? रोहो फैक्टर। रोहो फैक्टर को देखते ही इसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये आ गया टर्मिनेटर पॉइंट, ये आ गया टर्मिनेटर पॉइंट। और टर्मिनेटर पॉइंट को देखते ही क्या होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज चेन के अंदर था अब ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो आरएनए यहां पे ड्रॉप डाउन कर जाएगा और इस तरीके से ये पूरे लेंथ में क्या कर गया, पूरे लेंथ में ट्रांसक्रिप्शन को करा पा रहा है। तो आपके लिए जो वन लाइनर है जो आपको याद होने ही चाहिए, उसमें पहला वन लाइनर क्या था कि इनिशिएशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिग्मा फैक्टर को पहचान करके इनिशिएशन स्टार्ट करता है एट द प्रमोटर साइट। इलोंगेशन में वो इलोंगेट कर रहा है, अनजिप कर रहा है और फाइनली टर्मिनेटर पॉइंट्स पे कौन सा फैक्टर उसको मिलता है, रोहो फैक्टर मिलता है और रोहो फैक्टर को रिकॉग्नाइज करके वो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है ना। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो याद रखना प्रमोटर साइट पे कौन मौजूद है, सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेटर साइट पे कौन मौजूद है, रोहो फैक्टर। क्या ये बात सबको याद हो जाएगा, क्लियर हो रहा है? तो अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाओगे। कितने स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, 3 स्टेप्स में होती है। कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ये जो 3 स्टेप्स मैं बता रहा हूं वो किसके लिए है, क्या ये यूकैरियोट्स के लिए है या प्रोकैरियोट्स के लिए है? तो आंसर विल बी कि ये होता है प्रोकैरियोट्स के लिए, क्योंकि हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में इसके अलावा और भी प्रोसेस है, जैसे स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत सारी बातें बीच बीच में कर रखा है, जिसके कारण जो लेंथ ऑफ ये टॉपिक है वो अब मैं थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस आपसे करवाना था, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर दूंगा जहां पे मैं यूकैरियोट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन समझा दिया, प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन बता दिया, यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मैं अब कल के क्लास में आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो अब आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे, चीजों को क्लियर रखेंगे कि इन चीजों को ध्यान रखना है। तो एमसीक्यू का पे चले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज रहने देते हैं, सो वी आर कमिंग ऑन द एमसीक्यू पार्ट। लेट्स सी कि आप क्या एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। देखो बहुत दिनों से हम इन लेक्चर्स को कर रहे हैं, लगभग ये हमारा 9th लेक्चर हो जा रहा है, तो ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो हम इसे कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो अब आपके लिए देखना ये है मुझे कि क्या जो बच्चे शुरुआत से बने हुए हैं क्या उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या आप सभी एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे? अगर एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट अ ट्रस्ट कि यस सर आप जो पढ़ा रहे हो, एक तो वो एनसीईआरटी की चीजें भी हैं और नीट के अंदर क्वेश्चन भी वहीं से आता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गेट रेडी फॉर द एमसीक्यूज एवरीवन। और एमसीक्यू के लिए आप सबको ये सेशन को लाइक करना जरूर है ना, सेशन को लाइक जरूर कर दो। यस, लेट बहुत सारे बच्चे, आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लैग कर रहे हैं, मतलब कि पता नहीं आप कहाँ चले जाते हो, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको जरूरी है सेशन में रहने के लिए, तो सेशन में आप कंटिन्यू होना जरूरी है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द एमसीक्यू पार्ट, एमसीक्यू में आ रहे हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू कमिंग ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी हु इज गोइंग टू सॉल्व इट फर्स्ट, ये ठीक है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज लेके आया हूं, गलती मत करना। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी हु इज गोइंग टू सॉल्व इट।
यस, सो द क्वेश्चन इज इन अ डीएनए स्ट्रैंड, इन अ डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, एक डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे आपस से कनेक्टेड होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एक डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, और आज भी आपका इसका अगर आंसर गलत हुआ तो इसका मतलब है कि आप कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हो क्लासेस में, ठीक है? तो ध्यान से करेंगे इसका आंसर। देखो डी ऑप्शन ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, तो फिर से मैं आपको याद करा दूं, ये क्या कह रहा है आपको? आपको कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है कि जो फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों चीजों से, सॉरी नाइट्रोजन बेस, इन तीनों चीजों से बन के जो बना उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड किससे होता था? किससे होता था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। नो, यू ऑल आर सेइंग डी डी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बीच में मौजूद होता था, जो प्यूरीन और पाइरिमिडीन यानी नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते थे, है ना? तो नाइट्रोजन बॉन्ड्स के बीच में मौजूद होता था आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कौन करता था? फॉस्फोडाइस्टर। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फॉस्फोर ये शुगर के बीच में पूछ दिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड वाले कंडीशन, तो था फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पूछा जाए तो देन द आंसर विल बी फॉस्फो डाइस्टर। तो बार बार एक ही गलती, मतलब ये क्वेश्चन तो पहले भी करा रखा है और आज भी आप वही गलत कर रहे हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं आप लैक करते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन लैक मत करो, क्योंकि बहुत मेहनत से चीजें आपको डिलीवर कराई जा रही है, तो यू हैव टू स्टडी एज वेल, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो बी ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत कम बच्चों ने किया था। ज्यादातर बच्चे डी ऑप्शन बोल रहे थे क्योंकि उन्हें बस एक ही बॉन्ड याद आता रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लैरिटी रखो अपने अंदर, मैंने पहले भी कहा है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड होंगे वो किससे होंगे? फॉस्फोडाइस्टर से। अब तो यहाँ पे गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फिर एग्जाम के अंदर वही गलती करके आ जाओगे। एक बार ये पहले भी क्वेश्चन करा दिया था मैंने, मतलब कि लेक्चर नंबर 4 या 5 के दौरान भी मैंने ये एमसीक्यू आपसे करवाया था, सेम एमसीक्यू, वहां भी सेम गलती किया था आपने। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पूछा जाएगा तो आंसर जाएगा फॉस्फोडाइस्टर। तो रटो मत चीजों को, याद करो कि अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है तब तो क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो होगा। यस, समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको करना, और इसमें अगर गलती करोगे तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर मैं लेक्चर नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि छोटे छोटे गलतियां कर देते हो जिसका करने का कोई कंडीशन बनता नहीं है। न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स। क्या लैक करता है न्यूक्लियोसाइड? कैसे न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट है, क्या लैक करता है वो? यस, न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द, क्या लैक करेगा? चलिए आंसर्स आने लगे हैं। मधुबाला सोनी सिंह सी ऑप्शन, राजेश सिंह सी ऑप्शन, आकाश चंद्रा इज सिंह बी ऑप्शन, व्हाट अबाउट द रेस्ट? यस, ताइवा सिंह सी ऑप्शन, अभय सिंह सी ऑप्शन, ओके दुष्यंत सिंह सी ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया, इसमें ज्यादातर बच्चों ने बोला है सी ऑप्शन। बिल्कुल आप सभी को याद आ गया कि सर न्यूक्लियोटाइड, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि फॉस्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड को बनाएगा। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो हमें याद आ गया कि शुगर और नाइट्रोजन बेस जब मिलता था, शुगर और नाइट्रोजन बेस जब मिलता था तो बनाता था वो न्यूक्लियोसाइड, है ना? तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में किसका डिफरेंस आ रहा है? फॉस्फोरस का डिफरेंस आ रहा है, यानी फॉस्फेट ग्रुप वहां लैग करेगा। सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपने सही किया, ये मजा आ गया। आंसर सही करते हो ना तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें आपको डिलीवर कर रहा फिर वो रिवर्ट बैक हो जाता है जब आप आंसर सही करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन से चीजें करो, है ना? हम सीरियस काम कर रहे हैं, हम लोग मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वी हैव टू बिकम डॉक्टर, वी हैव टू बिकम और सच अ प्रोफेशनल पर्सन, जहां पे आपके पढ़ाई की वजह से किसी की जान बच सकती है। समझो इस बात को, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई अपनी करियर के लिए नहीं कर रहे हो, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि किसी दूसरे परिवार की जिंदगी बचाने के लिए भी कर रहे हो। सो दैट्स द डेडिकेशन यू रिक्वायर्ड, आपको वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, है ना? तो क्या ये बात सबको समझ में आ गया? सो सी इज द करेक्ट आंसर। भूदेव एक ही आंसर को बार बार रिपीट मत करो, है ना? चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन देने वाले हैं। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज किस क्लास ऑफ शुगर को बिलोंग करते हैं? यस, डोनाल्ड ट्रंप के स्कोर कार्ड अभी भी चालू है, 1-1 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड।
आप लोग चैलेंज लेके चल रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो अब इस क्वेश्चन को भी करें और इसको भी सही करेंगे। ओके चलो कोई बात नहीं, जो हो गया गलती वो अब छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। यस नितेश इज सेइंग सी ऑप्शन, नंदिनी तिवारी सी ऑप्शन, ओके अयान इज सेइंग सी ऑप्शन, शीतल भोजली सी ऑप्शन, आकाश चंद्रा सी ऑप्शन, ताइवा सी ऑप्शन, सुस्मिता साई लक्ष्मी सी ऑप्शन, राजेश सिंह सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया नंदिनी तिवारी सी ऑप्शन। इसमें सारे बच्चे सी ऑप्शन बोल रहे हैं। देखो याद आ गया आपको, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, सर आपने चीख चीख कर बोला है पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर हुआ करता था। डायग्राम बनाकर के भी दिखाया था आपको, वहां पे डायग्राम भी दिखाया था कि 5 कार्बन वाला शुगर होता है जिसमें एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, याद आ गया? तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। सो पेंटोज शुगर इज द करेक्ट आंसर। सो यू ऑल हैव डन ब्रिलियंट, सबके आंसर सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज द पेंटोज शुगर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो पेंटोज शुगर वॉज द करेक्ट आंसर। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना सेशन को लाइक कर दो, जितने बच्चे भी सेशन में वो जल्दी सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे सेशन में जो लाइक है वो एक बेंचमार्क हिट करता हुआ दिखना चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला पाऊं। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करा पाऊंगा। चलिए यस यस आया 2-1 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं, तो जल्दी से एक सेशन को लाइक करो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ पाइरिमिडीन बेस लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। आपको ये बताना ये है कि द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस, आपको बताया था कि प्यूरीन हमेशा क्या होता है, पाइरिमिडीन के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, याद आ गया सभी को? तो आपको ये बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट से बातें क्लियर हो रही थी, ये कौन सी चीज है जिसको जो ये बात बताता है। ठीक है, द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ पाइरिमिडीन लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। यस इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे जल्दी से, और अगर गलत करोगे तो मैं इसे होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी हो सकता है, ए या बी में डाउट हो रहा है तो ध्यान रखना कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स के अंदर लगा कि हाँ कंफ्यूजिंग है तो मैं इसे होमवर्क दे दूंगा, और जब मैं होमवर्क दूंगा तो फिर आपको प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख करके इसका आंसर करना पड़ेगा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट मैं दोबारा आज नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि होता यह है कि आपको भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा ना, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए बी सी ए ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हो आप में से बहुत सारे बच्चे भी। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव आंसर कर रहे हो, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, फैक्ट दैट प्यूरीन ऑलवेज पेयर विथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। क्या वो लीड करने वाला है, क्या वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को करेगा, यूनिफॉर्म विथ को करेगा? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस आपको एक बात बताएंगे। याद करो मैंने ये भी बताया था आपको कि प्यूरीन पाइरिमिडीन की बेस पेयरिंग की वजह से होता क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी भी आ जाती है लेंथ में, और ये भी बताया था कि आगे चल के सेमी कंजर्वेटिव कंडीशन भी आता है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको ये काम करके रखना है, क्योंकि मैं इसे आपको दे रहा हूं होमवर्क में। आप सभी कहते हो ना कि सर होमवर्क दिया करो ताकि हम उसको सोच सकें, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही आंसर पे नहीं पहुंच सकते सेमी कंजर्वेटिव या एंटी पैडल, क्योंकि ये भी हो सकता है, 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 कौन इसमें से सही हो सकता है, ये आपके लिए होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना हर एक आंसर को, आप भी मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे। इज इट ओके? बिल्कुल बता दो सभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ए बी जो भी आंसर्स कर रहे हो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको सिर्फ करना आप क्या है कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, विल इट बी ओके? स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से रख लो, और इसका आंसर होमवर्क करके करना है आप सभी को, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर करना विद एक्सप्लेनेशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर करो जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन, ओके साइन मैं थोड़ी बाद में फिर से वो क्वेश्चन डाल दूंगा और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इसका सॉल्व करो आप जल्दी से। ओके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बी होगा पक्का, ओके राजीव सिंह कमेंट बॉक्स कहाँ है, कमेंट बॉक्स राजीव आपको मिलेगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके नीचे आपको मिल जाएगा। साइंस से सर यू वर्क सो हार्ड, बिल्कुल आपको भी, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आपको भी रिवर्ट बैक करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें बिल्कुल याद हो रहे। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन, अमन सिंह सर 0 होगा। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं और कुछ 0 भी कह रहे हैं, देखो फिर वही बात है, क्या ये कह रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, ये कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, बोल करके इसने आपको एक भ्रमजाल दे दिया।
पर ये बेसिकली पूछ रहा है डीएनए पे कितना नेट चार्ज होगा और हिस्टोन पे कितना नेट चार्ज होगा। तो आपको तो बिल्कुल पता है कि डीएनए के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो जीरो वाला आंसर आप कर रहे हो ना वो गलत है, क्योंकि ये आपको ये नहीं कह रहा कि डीएनए हिस्टोन दोनों के नेट चार्ज को कैलकुलेट करके मुझे बताओ, ये कह रहा है डीएनए पे कितना नेट चार्ज है और हिस्टोन पे क्या नेट चार्ज है। तो डीएनए पे क्या होता है, निगेटिव होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव होता है, सो होगा निगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये होते हैं तरीके जहां पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लगता है, एग्जामिनर क्या कहता है, लैंग्वेज के साथ आपके साथ खेल जाता है और आप वहां पर गलत आंसर को टिक करके आते हो, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल जरूर लग रहा है पर निगेटिव कराने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे एमसीक्यूज मैं आपके साथ सेशन में लेके आता हूं जहां से आपको गलती आपसे जो गलतियां हो सकती हैं उनको मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर दूं, ताकि एग्जाम में आपसे वो गलती नहीं हो। बिल्कुल समझ में आ गया। होमवर्क आप सभी को एक बार फिर से मैं कर दूं क्लियर। आपका जो होमवर्क है वो ये है, ये वाली क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका आंसर करके बताना है विद एक्सप्लेनेशन बताना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन है इनको आपको बताना है और विद एक्सप्लेनेशन बताना है। दिस इज योर होमवर्क, आपका यही आज का होमवर्क है जिसे करना है आप सभी को, ठीक है। इसको समझने के लिए आप क्या हो करना है कि अगर आप चाहो तो प्रीवियस लेक्चर्स भी दोबारा देख सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। सो नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, इस एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है और सेशन को शेयर करके टाइम पे आने की कोशिश करो। सारे बच्चे टाइम पे आने वाला जो काम है ना वो कम कर रहे हैं, मतलब कि टाइम पे आते नहीं हो आप सभी। नेक्स्ट क्लास से टाइम पे आओगे तो लेक्चर्स चलेंगे, अदरवाइज मैं ये लेक्चर्स को वाइंड अप भी कर दूंगा, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तो फिर लेक्चर्स कराने का फायदा क्या है। तो टाइम पे आने वाला काम करेंगे, आप अपना स्केड्यूल फिक्स करिए, 8 PM पे आपका क्लास है तो आपको 8 PM पे आना ही होगा, ठीक है। पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी होना चाहिए तभी जा करके नीट के अंदर रिजल्ट होगा, और जब नीट में रिजल्ट होगा तभी नाम के आगे DR लगेगा, डॉक्टर लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को, चलिए। सो टिल देन बिल्कुल आप सभी चीजें क्लियर कीजिए, यस चीजें सभी को ये सारी चीजें ध्यान रखना है, सब कुछ क्लियर करना है, ठीक है। तो यू ऑल हैव टू स्टडी प्रॉपरली, आपको बहुत अच्छे से चीजें पढ़ना है ताकि आपका सारा चीज क्लियर हो सके। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडी द वे यू ऑल आर डूइंग। कल सुबह मिलते हैं 10 बजे जहां पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल याद है ना लेवल बढ़ने वाला है, तो लेवल बढ़ेगा इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट करके रखना है और अपने फ्रेंड्स को सेशन शेयर करके उसमें लेके भी आना है। तो यू है ये आप सबका ड्यूटी भी है, तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडी, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और अच्छे रह करके प्रॉपर स्लीप ले करके प्रॉपर स्टडी भी करते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय टू एवरीवन।